और आइए अब दिखाते हैं आपको दिग्गजों की तस्वीरें। जी हाँ, 6 तस्वीरें दिखाते हैं आपको जहां अलग अलग दिग्गज नजर आएंगे वोट डालते हुए। केसरीनाथ त्रिपाठी वोटिंग की है, उन्होंने मतदान किया है। साध्वी निरंजन ज्योति बीजेपी की जीत का दावा करती हुई नजर आई और हमीरपुर में उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। केशव प्रसाद मौर्य इलाहाबाद में पहुंचे थे मतदान के लिए और कहा कि किसी से कोई टक्कर नहीं, तमाम दल बेहद पीछे हैं, बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। नंद गोपाल नंदी, सिद्धार्थनाथ सिंह और अदिति सिंह, ये तमाम दिग्गज जिन्होंने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मुझे खुशी हो रही कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और मैं पूरे प्रदेश के जो अभी अगले चरण है और इस चरण में, क्योंकि ये आज एक पर्व है, चुनावी एक पर्व होता है और इससे बड़ा पर्व प्रजातंत्र में नहीं हो सकता है। सारे के सारे लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जिसको हम स्वेच्छा से दान करते हैं। संगम का क्षेत्र है, गंगा मैया का पावन तट है और जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 2014 में हम सभी सीटों पर नंबर एक पर थे और 2014-17 में दोहराने जा रहे हैं। हम यहाँ की सभी 12 सीटें अपने गठबंधन साथियों के साथ जीतने जा रहे हैं। इस बार विरोधियों का यहाँ खाता नहीं खुलने वाला। मुझे दिख रहा है कि गांव के अंदर बहुत बड़ा एक रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता हुआ दिख रहा है और शहर में भी आएगा। भारतीय जनता पार्टी की जो एक अंडर करंट था विकास का, वो आज सुनामी में बदलता हुआ दिख रहा है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है, बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला है जनता से। पॉजिटिव और अच्छी चीज है गठबंधन, इससे हम लोग को भी फायदा हुआ है। आई एम प्रीटी श्योर की गठबंधन की सरकार आएगी। प्रत्येक जागरूक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह चुनाव के अवसर पर अपने मताधिकार का प्रयोग करे। मताधिकार के महत्व को समझने की आवश्यकता है। एक एक मत के आधार पर सरकारें बनती हैं, उनके कार्यक्रम लागू होते हैं और इसलिए प्रत्येक नागरिक को संविधान के आदेशों की या उसमें निर्देशों की या उसमें दिए गए प्रावधानों के अनुसार अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। तो तमाम दिग्गजों को आपने सुना, तमाम नेताओं को आपने सुना, अपने अपने हिसाब से अपील कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से दावा भी कर रहे हैं और सबकी अपनी ढफली है और अपना राग है। लेकिन मेरे दो सहयोगी समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इलाहाबाद से हरिंद्र चौधरी और इसके अलावा रायबरेली से अभिषेक सिंह है, दोनों का हम रुख करेंगे। अभिषेक, सबसे पहले मैं रुख आपका करूंगी क्योंकि रायबरेली एक ऐसी जगह, सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है, लेकिन पहली दफा ऐसा हुआ है। अगर हम बहुत लंबे अरसे को देखने की कोशिश करें तो पिछले काफी लंबे अरसे में ऐसा कभी नहीं हुआ कि चुनाव हुए हो और सोनिया गांधी प्रचार के लिए नहीं आई हो, लेकिन पहली मर्तबा सोनिया गांधी प्रचार के लिए नहीं पहुंची। हवाला हालांकि दिया गया तमाम चीजों का, लेकिन मतदाताओं को लेकर जो रुझान मिलने अभी शुरू हुए होंगे, किस तरीके की स्थिति आप देख रहे हैं? क्योंकि 2012 में भी चुनाव नतीजे रायबरेली में खासे उत्साहजनक कांग्रेस के लिए नहीं थे। जी हाँ, निश्चित तौर पर रायबरेली में पहली बार ऐसा हुआ है कि विधानसभा चुनाव के वक्त सोनिया गांधी यहाँ नहीं पहुंची हैं और जिसको लेकर उन्होंने एक चिट्ठी भी यहाँ के लोगों के लिए लिखी थी। बिल्कुल जरूरत आन पड़ी उस चिट्ठी को लिखने की, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि कांग्रेस गठबंधन के साथ यहाँ चुनाव लड़ रही है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि जो पिछले विधानसभा चुनाव के रुझान थे उनकी बात की जाए तो कांग्रेस का वक्त उससे बुरा नहीं हो सकता था और यही कयास लगाई जा रही है कि इस बार गठबंधन के ही जरिए चाहे, लेकिन कांग्रेस की सीटों में कुछ बढ़ोतरी होने के आसार लग सकते हैं। लेकिन फिलहाल अब तक की जो स्थितियां लग रही हैं उसमें ऐसा होता हुआ खासा नहीं प्रतीत हो रहा है। हाँ, ये जरूर है कि लगातार मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर ये कयास जरूर लगाई जा रही है कि मतदान प्रतिशत इस फेज में भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये निश्चित तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं उससे ये निश्चित तौर पर लग रहा है ऐसा। और पिछले चुनाव में भी चाहे रायबरेली की बात की गई हो चाहे पूरे सूबे की बात की गई हो, चुनाव प्रतिशत में इजाफा हुआ था और वैसे ही कुछ उम्मीद इस बार भी की जा रही है। लेकिन रायबरेली में खासतौर पर कांग्रेस की जिस तरह की भूमिका है और खुद अध्यक्ष सोनिया गांधी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और चाहे कोई भी चुनाव रहा हो, लोकसभा या विधानसभा चुनाव रहा हो, सोनिया गांधी यहाँ जरूर पहुंचती थी। पहली बार ऐसा हुआ कि वो यहाँ नहीं पहुंची हैं। हालांकि गठबंधन को लेकर कयासे और भी लगाई जा रही थी कि एक बहुत अहम बात ये थी कि रायबरेली और अमेठी में
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों में हुए असमंजस भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि सोनिया गांधी खुद यहां नहीं पहुंची हैं। बिल्कुल, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए अभिषेक ये कहा जा सकता है, क्योंकि कल अखिलेश यादव ने भी ये कह दिया कि गठबंधन मजबूरी था, अगर समाजवादी पार्टी में कलह नहीं होती तो गठबंधन की जरूरत नहीं होती। तो क्या कहीं ना कहीं ये गठबंधन सिर्फ सियासत की मजबूरी को देखते हुए किया गया है और दोनों ही पक्षों में इसे लेकर कोई उत्साहजनक माहौल नहीं है, क्योंकि शिवपाल यादव ने भी कह दिया कि वो कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए प्रचार नहीं करेंगे, सोनिया गांधी प्रचार के लिए नहीं पहुंचती हैं, प्रियंका गांधी एक सभा में बोलती हैं, लेकिन वो भी तब बोलती हैं जब राहुल गांधी की तरफ से उन्हें कई दफा कहा जाता है, और वो भी सकुचाती हुई उठती हैं, कुछ बातें कहती हैं और फिर बैठ जाती हैं। तो ये क्या दिखाता है कि इस चौथे चरण में जिन जिलों पर जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनको लेकर खासतौर से कांग्रेस बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है, खासतौर से अपने ही गढ़ में रायबरेली में? एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि अखिलेश यादव कुछ वक्त पहले भी ये बात कहते हुए नजर आए थे कि मजबूरी थी उन्हें कांग्रेस के साथ गठबंधन करना, उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, मजबूरी की बात अब खुलकर उन्होंने नहीं कही। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जब गठबंधन हो रहा था तभी असमंजस की स्थिति आ रही थी। हाँ, ये जरूर था जब एक जॉइंट पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई तब राहुल गांधी और अखिलेश यादव कहीं से भी उस बड़ी परेशानी को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हावी नहीं होने देना चाहते थे, और शायद यही वजह थी कि राहुल गांधी ने उसी टेबल पर बैठकर एक नोट भी लिखा था अखिलेश यादव के लिए, चाहे उसमें रायबरेली और अमेठी का जिक्र हो। ये बात साफ है कि रायबरेली और अमेठी निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसियां हैं, उनके लिए नाक का सवाल भी था, और वहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा होना, चाहे वो गायत्री प्रसाद प्रजापति की बात की जाए, बाकी और जिलों में बात की जाए, लखनऊ की खास तौर पर बात की जाए, वहां पर भी लंबे अरसे तक लखनऊ की एक सीट पर कांग्रेस और सिटिंग एमएलए रविदास मल्होत्रा के प्रत्याशी के बीच लगातार इसी तरह की रस्साकसी देखने को मिली, बाद में कांग्रेस के प्रत्याशी ने विड्रॉ किया। ये सारी स्थितियां ये बात साफ कर रही थी कि गठबंधन जरूर हुआ है, और उस गठबंधन के पीछे सबसे बड़ा कारण समाजवादी पार्टी परिवार के अंदर मचा बवाल है। बिल्कुल अभिषेक, और सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही ये चार से पांच सीटें हो या छह सीटें हो, लेकिन इन सीटों पर वोटर्स कंफ्यूजन में रहेगा, और इस कंफ्यूजन का नुकसान जाहिर सी बात है इस अलायंस को होगा। हरेंद्र चौधरी भी हमारे साथ इलाहाबाद से बने हुए हैं। हरेंद्र, इलाहाबाद एक ऐसा जिला जहां सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें, 12 विधानसभा की सीटें, 2012 का अगर जिक्र करें तो 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया था, बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने केशव प्रसाद मौर्य को सुना, हमने सिद्धार्थनाथ सिंह को सुना, और तमाम लोगों के दावे ऐसे ही हैं कि इलाहाबाद जिले की तो 12 विधानसभा सीटें हम जीतेंगे ही, बल्कि ओवरऑल अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम मेजॉरिटी में आ रहे हैं, हम 300 प्लस लेकर आ रहे हैं। तो ये आखिर किस आधार पर, और आप वहां पर खड़े भी हैं, एक बूथ पर आप मौजूद भी हैं, तो किस तरीके की परिस्थितियां हैं और दावों में कितनी सच्चाई नजर आती? जिगर में देखिए, केशव प्रसाद मौर्य ने जब यहाँ पे अपना मतदान करने आए थे, जो इलाहाबाद उत्तरी जो विधानसभा क्षेत्र का जो यहाँ पोलिंग बूथ बनाया गया था ज्वाला देवी इंटर कॉलेज में, वहाँ पहले उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, और मतदान के बाद जब मीडिया से वो रूबरू हुए तो उस दौरान उन्होंने साफ तौर पर एक बात कही थी कि हम 300 के आंकड़े से ऊपर जा रहे हैं, अब बीजेपी 300 प्लस में जो विधानसभा सीट है वो जीत कर आ रही है। जिस वक्त ये दावा वो कर रहे थे तो आधार की अगर बात करी जाए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही थी कितना अपने आप में वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। पहले तीन चरणों का जो मतदान प्रतिशत रहा है, ज्यादा वोटिंग परसेंटेज रहा है, खासकर जो मतदाताओं को रुझान रहा है, उसको देखते हुए जो केशव प्रसाद मौर्य है उनका जो दावा है वो अपने आप में उनका जो आत्मविश्वास है और झलका रहा था। साथ ही वो बीजेपी 2012 में यहाँ पे खाता नहीं खोल पाई थी, प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, विधानसभा की अगर बात करिए 12 विधानसभा सीटें, 8 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार विजयी हुए थे, 3 पे बसपा ने जीत हासिल करी थी और 1 कांग्रेस के खाते में आई थी जो शहर की उत्तर विधानसभा जो सीट है। लेकिन बीजेपी भले ही खाता 2012 में न खोल पाई हो, लेकिन जिस हिसाब से जो माहौल अब उन्हें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, खासकर 2014 में भी एक लहर बीजेपी के लिए देखने को मिली थी, और बीजेपी के जो हाईकमान के जो लोग हैं उनकी कोशिश, पुरजोर कोशिश यही रही थी 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कि 2014 को दोबारा से वो 2017 में वो इनकैश कर पाए, और उनकी कोशिशें जिस तरह से कारगर साबित होती नजर आ रही है, तो उनका जो आत्मविश्वास है बीजेपी के नेताओं का वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी बगैर सीएम कैंडिडेट के चेहरे के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में गई, और उसके बावजूद जिस तरह से हालात बने और जो
तो बिल्कुल 2014 के आधार पर कहा जा सकता है हरेंद्र कि 2014 के आधार पर बीजेपी अपने आप को तौल रही है, अपने आप को आंक रही है, और उसी आधार पर यह दावा भी है कि वो 300 प्लस लेकर आने वाले हैं या इलाहाबाद जिले की तमाम सीटों पर वो आने वाले हैं। हरेंद्र आप भी बने रहे हमारे साथ, अभिषेक आप भी हमारे साथ बने रहे, हम आप दोनों के पास वापस लौटेंगे, लेकिन इस समय नंद गोपाल नंदी की मेरे सहयोगी के साथ बातचीत आपको सुनाते हैं, उन्होंने किस तरीके का दावा किया है। इलाहाबाद की 12 विधानसभा पर जो है वोटिंग चल रही है, वोटिंग शांतिपूर्वक चल रही है, हालांकि कुछ जगह पर मतदान देरी में शुरू हुआ है। हमारे बीच पूर्व मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने अपना वोटिंग किया है तो कैसा वोटिंग परसेंट चाहते हैं और क्या लगता है। देखिए, वोट का परसेंटेज बढ़ना चाहिए और हम अपनी माताओं बहनों से खास तौर पर अपील करना चाहते हैं, जनता जनार्दन से अपील करना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि गुंडे अपराधी ना चुने जाएं, जब हम वोट नहीं डालते तो कुछ ऐसे लोग चुने जाते हैं जिनको आप नहीं चाहते, तो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए वोट डालने में। तो मैं सबसे अपील करता हूं कि बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। आपने देखा पिछली बार 208 वोटों से हमें बेईमानी से हरा दिया गया। जिस बूथ पर आप आए हैं आपने वोटिंग की, क्या समस्याएँ आ रही हैं अधिकतर? यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मृत घोषित कर दिया, वो जीवित खड़े हैं, हल्ला मचा रहे हैं। बहुत सारे नंबर ही समाजवादी पार्टी की सरकार में एकदम मतलब इलेक्शन कमीशन से गुजारिश है मेरी कि इसको ध्यान से और अभी तुरंत इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए। इसमें जितने लोग आ रहे हैं 40% लोग हल्ला मचा रहे हैं कि मेरा देखिए वोटर कार्ड है, वोटर आईडी है, लेकिन लिस्ट में नाम नहीं, जीवित खड़े हैं, विलोपित है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं। अच्छा, इस बार अपनी सीट से आप किसकी टक्कर मानते हैं अपनी? देखिए, हमारी सीट से मासूक खान जी बहुत मेहनत किए हैं, तो मेन तो वही सेकेंड पर रहेंगे, लेकिन अंतर बहुत रहेगा। चलिए, ये तो नंदी जी थे, उन्होंने कहा कि उनकी टक्कर मासूम खान यानी बसपा से है, लेकिन अभी भी उनकी तो वो दूसरे स्थान पर रहेंगे और पहले स्थान पर वो अपने आप को मान रहे हैं। इलाहाबाद से रविंद्र कुमार, समाचार प्लस। और आपको दिखाते हैं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी बीएसपी के नेता जो कि पहुंचे हैं वोटिंग के लिए, और पोलिंग बूथ की तस्वीरें आपके सामने। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को आप देख रहे हैं, बीएसपी के अग्रणी जमात के नेता है। पोलिंग बूथ की तस्वीरें नसीमुद्दीन सिद्दीकी को आप देख रहे हैं जो कि अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए पहुंचे हैं। बांदा की तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं। तो लगातार दिग्गज जो हैं वो अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए पहुंच रहे हैं, वो भले ही सिद्धार्थनाथ सिंह हो, अदिति सिंह हो, इसके अलावा अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को जो कि पहुंचे हैं मतदान के लिए। इसके पहले फेज में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने वोटिंग की थी, मत का इस्तेमाल किया था, और यही अपील हम अपने दर्शकों से भी करते हैं, जो भी समाचार प्लस इस समय देख रहे हैं दर्शक, उनसे भी हमारी यही अपील है कि मतदान के लिए घरों से बाहर जरूर निकलें और मतदान के बाद अपनी उंगली पर नीली स्याही वाला फोटो आप हमें भेज दें। समाचार प्लस की स्क्रीन पर हम वो फोटो दिखाएंगे, हम वो तस्वीर दिखाएंगे। और इस समय नसीमुद्दीन सिद्दीकी आपके सामने बांदा में पोलिंग बूथ पर मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए और अपनी उंगली पर नीली स्याही भी दिखाते हुए, तो दिग्गज भी वोट डाल रहे हैं। वोट चुकी है, उसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। शमशान और कब्रिस्तान का जो मामला है, ये जो दिखा रहे हैं इनकी 8 प्रांतों में इनकी सरकारें और कई प्रांतों में तो कई बार से, क्या वहाँ वो बात लागू की गई? बोल ये सिर्फ और सिर्फ धोखा देने वाली बात है, लोगों को गुमराह करने वाली बात है, लोग समझते हैं उनकी बात में कोई गुमराह नहीं होगा। बीएसपी क्या कर रहा है, क्या कर रहे भैया, पूरा हमारे हिल में कोई फायदा नहीं है, और बीएसपी की प्रेजेंट बहुमत ये आपका कहना है? नहीं, नेताओं ने डिवाइड किया, हमने हम इससे सहमत नहीं है। नेताओं ने, कुछ लोगों ने, विरोधी पार्टियों ने कोशिश की, लेकिन हिंदू मुस्लिम एक है, इसी चुनाव बांदा में देखा। बार बार ये कहा जा रहा है अगर कुछ भी ऐसी हलचल आई तो आप बीजेपी के साथ क्या कर रहे हैं? रोटी बहुत प्रदान करो भाई युवाओं के सामने, ना कभी बीजेपी से समर्थन देंगे ना देंगे। भैया तुम ही आओ, समर्थन दूर की बात है, हम बीजेपी की तरफ देखेंगे नहीं, विपक्ष में। चुनावी नतीजों को देखकर आपको क्या लगता है किस तरीके का माहौल रहने वाला है नतीजों में? पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही, प्रचंड बहुमत की सरकार आ रही है, हम 3 सीटें देंगे। नसीम भाई, तो वही दावा एक बार फिर से दोहराते हुए जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दावा किया था कि हम विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, और ठीक यही बात बीएसपी महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी कही है। सांप्रदायिकता पर चोट की है, ध्रुवीकरण की कोशिशों पर चोट करते हुए उन्होंने
मतदान किया है। और अब आपको बता दें कि वोटिंग परसेंटेज अभी तक क्या रहा है, सुबह 11 बजे तक के आंकड़े हमारे पास हैं और वो आंकड़े हम आप तक पहुंचा दें। 12 जिलों की 53 सीटों पर मतदान चल रहा है, कहां कितना फीसद मतदान हुआ है। हमीरपुर जिले की बात कर ले, सुबह 11 बजे तक के आंकड़े 33%। और इस समय आपको लिए चलते हैं दलजीत चौधरी के पास, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। उनके समर्थक एवं रिश्तेदार आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ गए थे, आपस में फायरिंग भी किया जिसमें दो लोग इंजर्ड भी हैं, तीन लोग इंजर्ड हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। एफआईआर दर्ज हो गई है और विधिक कार्रवाई की जा रही है।